आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर देश के कई हिस्सों में मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा कुछ राज्यों में आंधी और ओले भी किसानों का खेल बिगाड़ सकती हैं। क्योंकि अभी गेहूं की फसल खेतों में पकने के लिए तैयार है, ऐसे में ओले और आंधी किसानों की फसल को तबाह कर सकती है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि साउथ असम और निचले क्षोभ मंडल स्तरों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके कारण पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में बिजली और तेज हवाओं के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भी बारिश होने के पूरे आसार हैं। वहीं आईएमडी ने अपने मौसम बुलेटिन में बताया कि पंजाब और राजस्थान में 14 और 15 मार्च के दौरान पश्चिमी गरज और बिजली के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इस बीच छिटपुट बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां अभी से लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस हफ्ते दिल्ली में बारिश हो सकती है। 14 मार्च को दिल्ली में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 15 और 16 मार्च को राजधानी में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान है। अगले 4 दिनों तक दिल्ली का तापमान न्यूनतम 18 से अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अलावा आईएमडी के मुताबिक 15 से 17 मार्च के दौरान बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जबकि 16 और 17 मार्च को जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि अक्सर होली के बाद देश का मौसम बदलने लगता है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास समाप्ति की ओर होता है और ऋतुओं का राजा कहे जाने वाला बैसाख शुरू हो जाता है। लिहाजा दिल्ली, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार चैत्र के अंत में बारिश और ओले पड़ने से मौसम के चक्र में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं आईएमडी के मुताबिक इस बीच निचले क्षोभ मंडल स्तरों में एक पश्चिमी विक्षोभ और एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उसके पड़ोस में स्थित है। इसके असर से अगले कुछ दिनों में पश्चिमी हिमालयी इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।